Hello dear students, I am Ranu Malviya, your science teacher. In the last class, uh, we have started our chapter number fifteen, name as light. So in that, uh, I have told you to draw the mind map of the chapter, and today we will discuss about the mind map of this chapter and the keywords of this chapter. So first of all, I am going on the page of that. Yes, keywords. सो so, इसमें सबसे पहले कन्वर्ज के बारे में बोला गया है इसका मतलब बैंड इनवर्ड्स अंदर की तरफ मुड़ना उसको कन्वर्ज बोलते हैं एंड डाइवर्स डाइवर्ज का मतलब होता है बैंड आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ मुड़ जाना उसको डाइवर्ज uh, बोलते हैं है ना कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट रेज भी होती है ना रियल इमेज की बात करेंगे इमेज दैट कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन उसको रियल इमेज बोलेंगे जो कि स्क्रीन के ऊपर कैप्चर हो सकती है उसको रियल इमेज बोलेंगे ना स्पेरिकल मिरर्स के बारे में दिया हुआ है मिरर्स विथ अ कर्व्ड सरफेस है ना जो कर्व्ड सरफेस के साथ में होती है उसको बोलते हैं क्या स्पेरिकल मिरर बोलते हैं ना वर्चुअल इमेज की बात करेंगे वर्चुअल इमेज क्या होती है इमेज दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन जो कि स्क्रीन के ऊपर कैप्चर नहीं हो सकती उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे यहाँ पर आपको आ, क्या दिया हुआ है ये माइंड मैप दिया हुआ है इसको देख लीजिए थोड़ा लाइट एनर्जी से शुरू करेंगे तो लाइट एनर्जी में आप देख सकते हो लाइट जनरली जो आपका वाइट लाइट होता है वो किससे बना होता है सेवन कलर्स से मिलकर बना होता है सेवन कलर्स में आपका ये विबग्योर आ जाता है वी से होता है वायलेट आई से होता है इंडिगो बी से होता है ब्लू जी से होता है ग्रीन वाई से होता है येल्लो ओ से होता है ऑरेंज एंड होता है रेड इसको हिंदी में बैजानी हप्पी नाला से बोला जाता है बैजानी हपीनाला मतलब बै से बैंगनी जा से जामुनी है ना नी से नीला ह हर से हरा पी से पीला ना से नारंगी और ला से लाल तो ये सारे हिंदी में नाम हैं इनके है ना इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेसन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेसन ऑफ लाइट क्या होता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड द रैक्टिलियर प्रोपिगेन ऑफ लाइट नाउ यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि लाइट हमेशा सीधी लाइनों में ही चलता है या एकदम स्ट्रेट रेज में चलता है उसको रैक्टीलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ़ लाइट बोला जाता है नाउ इसमें देखिए मिरर्स के बारे में दिया हुआ है तीन तरीके से मिररस जनरली आपको देखने के लिए मिलेंगे कर्वड मिरर्स में आपको देखेंगे कॉनवेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिररर और प्लेन मिरर तो प्लेन जो जनरली घर में यूज होता है वही वाला इसके अलावा कॉन्वैक्स मिरर होता है और कॉन्व मिरर होता है कॉन्वैक्स मिरर में ओनली वर्चुअल इमेज देखने के लिए मिलेगी वर्चुअल इमेज क्या होती है जो कि कभी भी कैप्चर नहीं हो पाती है है ना जनरली सो यस ये देखिए यह है वर्चुअल इमेज इमेज दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों आपको देखने के लिए मिलेगी कॉनकेव लेंस मिरर में सॉरी कॉनकेव मिरर में अब वैसे ही आपके जो लेंस भी होते हैं कर्व्ड लेंसेज दो तरीके के हो सकते हैं या दो तरह के हो सकते हैं एक कॉन्वैक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस कॉन्वैक्स लेंस में क्या होता है रियल और वर्चुअल इमेज बनती है वहीं कॉनकेव लेंस में क्या होता है ओनली वर्चुअल इमेज बनती है तो ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आपको चैप्टर के दौरान होगा बट डोंट वरी मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर कर दूंगा इसको तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा अब यहाँ पर प्लेन मिरर की बात करेंगे इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बोला गया है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर में है ना इसलिए इमेज इरेक्ट होती है है ना उल्टी एंड जनरली देन वॉट वर्चुअल एंड रिलीज ठीक है वर्चुअल एंड सॉरी रिवर्सड आप है ना देखेंगे आपकी राइट हैंड लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट हैंड राइट दिखता है जनरली प्लेन मिरर में है ना तो ये भी होता है नो यूजेज माइक्रोस्कोप में और पेरिस्कोप में यूज़ होते हैं प्लेन मिरर्स इसके अलावा यहाँ पर आपको रफ़ सरफेस में जो है डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन होता है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है इसलिए इमेज कभी भी नहीं बन पाती है तो ये था इसका ये वाला माइंड मैप अब ऊपर चल के देखते हैं कि इस चैप्टर के दौरान आपको मिलेगा क्या क्या तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले वी नीड लाइट टू सी थिंग्स यस हम बिना लाइट के कुछ भी नहीं देख सकते इसलिए लाइट की ज़रूरत होती है हमें चीज़ों को देखने के लिए अलुमिनस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लाइट एंड एल्यूमिनेट्स ऑब्जेक्ट अराउंड एट है ना ल्युमिनस ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम इल्यूमिनेट कर सके किसको hmm, ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस करने वाले ऑब्जेक्ट से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करती हैं स yes, कोई भी चीज के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो वो लाइट की जो रेज होती है वो हमारी आँखों पर रिफ्लेक्ट होती है और हम उसको देख पाते हैं चीजों को ना देखिए इसमें लाइट के बारे में दिया हुआ है सबसे पहले ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इसी को तो रेक्टीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोला जाता है रेक्टीलियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इट मीन लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अस्ट्रीट लाइन नाउ स्पेक्ट्रम अभी हमने देखा सेवन कलर्स में होता है इसका स्पेक्ट्रम विपग्योर नाम से है ना है ना सेवन कलर्स में होता है विप नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है है ना इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है तो प्लेन मिरर में और स्पेरिकल मिरर्स में हो सकती है स्पेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर या कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर नौ लेंसेज में भी आप देखेंगे दो टाइप के लेंसेज होते हैं एक तो कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस और इसके भी यूजेस के बारे में भी देखेंगे ये सारा आपको चैप्टर के दौरान देखने के लिए मिलेगा अब यहाँ पर दिया हुआ है लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अस्ट्रीट लाइन है ना ये देखिए रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट अभी मैंने अभी आपको बताया था लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस इन द दबसेंस ऑफ लाइट वी वुड नॉट बी एबल टू सी थिंग्स स्विच ऑन अ टॉर्च इन अ डार्क रूम डार्क रूम में जब आप स्विच ऑन करेंगे एक टॉर्च का तो क्या होगा द बीम ऑफ लाइट विल बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट है ना बहुत ही स्ट्रेट लाइन में आपको बीम ऑफ लाइट देखने के लिए मिलेगा ये देखिए ना क्या होगा दिस शोज द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन है ना प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रैक्टीलिनियर प्रोपोगशन ऑफ लाइट तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है इन स्ट्रेट लाइन आप स्ट्रेट लाइन में लाइट को देख पाते हैं इसी को जनरली रैक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोला जाता है अब यहाँ पर क्या बोला है लाइट अ कैंडल एंड ऑब्जर्व द फ्लेम थ्रू अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ देन बैंड द स्ट्रॉ एंड ऑब्जर्व कैन यू सी द फ्लेम तो यस अगर हम स्ट्रॉ को बैंड करके देखने की कोशिश करें तो हमें फ्लेम देखने के लिए नहीं मिलेगी इसका मतलब लाइट जो है वो ट्रेवल नहीं करता है टेढ़ा मेढ़ा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है नाउ यू कैन नॉट सी द फ्लेम थ्रू द बैंड स्ट्रा बिकॉज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन है ना नॉर्मली लाइट डज नॉट बैंड एंड देयर फॉर इट कैन नॉट रीच योर आईज़ थ्रू अ बैंड ट्यूब यस बैंड ट्यूब से लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता इसलिए आपको फ्लेम देखने के लिए नहीं मिलेगी अब इसमें क्या दिया हुआ लुमिनस एंड एल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो इसको भी देख लेते हैं द सन अ लाइटेड कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड बर्निंग वुड प्रोड्यूस लाइट है ना जो भी लाइट प्रोड्यूस करेंगे दीज आर लुमिनस ऑब्जेक्ट उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे एनी ऑब्जेक्ट दैट जनरेट्स लाइट इस कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट नाउ मोस्ट ऑब्जेक्ट अराउंडिनेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है अधिकतर जो कि एल्युमिनेटेड है इसका मतलब वो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं देर ब्राइट बिकॉज लाइट फॉल ऑन दैम है ना वो इसलिए ब्राइट दिखाई देते हैं या चमकदार दिखाई देते हैं या दिखाई भी देते हैं हमें क्योंकि उनके ऊपर लाइट पड़ता है दिस पेज इज ऑल्सो इल्यूमिनेटेड ये पेज भी इल्यूमिनेटेड है इसका मतलब लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है मगर वो इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ रहा है तो so, यस yes, इस तरीके से एलुमिनस ऑब्जेक्ट जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं मगर लाइट के कारण दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उनके ऊपर लाइट पड़ता है तो वो लाइट को रिफ्लैक्ट करते हैं सो so यस yes, है ना वॉट इज वाइट लाइट मेड अप ऑफ तो ये स्पेक्ट्रम भी आपको पता ही है विपग्योर होता है है ना द बैंड ऑफ कलर्स दैट इज ऑप्टेड इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम जब कलर का बैंड देखने के लिए मिलेगा बैंड मतलब डिफरेंट टाइप के अलग अलग आ, पट्टियाँ लाइट की देखने के लिए मिलेगी तो उसको स्पेक्ट्रम बोला जाएगा वाइट लाइट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सेवन कलर सात कलर्स का बना होता है लाइट जो वाइट लाइट होता है ना वाइट लाइट सेवन कलर्स का बना होता है द डिफरेंट कलर इन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट मैनर डेफिनिट मैनर में सब जमे होते हैं वो डेफिनिट मैनर क्या है तो विबग्योर इसका फुल फॉर्म आप लिख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि विबग्योर इसका डेफिनिट मैनर है पहला जो रंग होता है वो वायलट होता है सेकंड इंडिगो होता है थर्ड आपका ब्लू होता है देन ग्रीन होता है देन येलो होता है देन ऑरेंज होता है देन रेड होता है तो यस इस तरीके से इसका स्पेक्ट्रम होता है ये था आपका स्पेक्ट्रम तक के अब व्हेन डू यू सी थिंग्स यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब तक अपना ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए थैंक यू डियर स्टूडेंट्स Thanks a lot. Take care. Bye bye.